Hi everyone, this is Shalini and today we start with the mechanism of vision. And before this, let's talk about more detail of the neurosensory layer. जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में कि जो ह्यूमन आई होते हैं वो तीन तरह के लेयर से प्रोटेक्टेड है. फर्स्ट लेयर क्या था? फाइब्रस लेयर. सेकेंड लेयर इज द वैस्कुलर और वी कैन से पिगमेंटेड लेयर बिकॉज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम. And third layer is a neurosensory layer and most of the neurosensory layer is the retina. And इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं for understand the mechanism of vision. Okay? So let's start. जैसे कि क्या था कि outer layer जो है वो sclera है, को दिखाई दे रही होगी yellow part जो है वो outer layer है eye का, उसको हम sclera कहते हैं. And जो ये fluid filled sky blue color का दिखाई दे रहा है ये कैरोटिड है. एंड ये जो इनर पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज द रेटिना. ओके, एंड ये जो हो गया वो आपका क्या हो गया कि ये कंजक्टाइवा लेयर है. एंड उसके बाद लेंस प्रेजेंट है. लेंस में ही विट्रस चैम्बर था जो कि जेली लाइक फ्लूइड इनमें प्रेजेंट है. सो रेटिना में डिटेल तो हमें रेटिना की पढ़नी है. तो रेटिना में क्या क्या प्रेजेंट है? रेटिना में तीन रीजन प्रेजेंट है. फर्स्ट इज द गैंग्लियोनिक सेल, जो कि गैंग्लियोनिक सेल जो है वो विट्रस चैम्बर के कांटेक्ट में है. सेकेंड इज अ बाइपोलर न्यूरॉन एंड द थर्ड इज अ फोटो रिसेप्टर सेल्स. फोटो रिसेप्टर को फोटो रिसेप्टर सेल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये लाइट सेंसिटिव होता है. जैसे ही लाइट फॉल करती है इनमें जो प्रेजेंट है रोड सेल और कोन सेल ये एक्टिव हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो येलो स्पॉट पे ही होना है. तो ये येलो स्पॉट जो होता है वो गैंग्लियोनिक सेल में एब्सेंट है और यही येलो स्पॉट बाइपोलर न्यूरॉन में भी एब्सेंट है. तो जो भी लाइट फॉल करती है, जो भी लाइट फॉल कर रही है वो डायरेक्टली कहाँ पे कर रही है? फोटो रिसेप्टर पे, क्योंकि बाइपोलर और गैंग्लियोनिक सेल में दोनों में ही येलो स्पॉट एब्सेंट है और येलो स्पॉट में ही इमेज का फॉर्मेशन होना होता है. एंड यहाँ पे रोड सेल प्रेजेंट है, कोन सेल्स प्रेजेंट है. तो सेंटर में कोन सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारे. एंड जो पेरिफेरी है इट मीन्स जो किनारे के साइड है वहां पे रोड सेल प्रेजेंट है. एंड रोड सेल एंड कोन सेल, तो जो रोड सेल होता है वो डार्क में एक्टिव होता है एंड जो कोन सेल है वो लाइट में और वी कैन से ब्राइट. ओके, सो यहां से अगर लाइट फॉल कर रही है तो डायरेक्टली जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स पे जाके फॉल करती है बिकॉज कि इनमें गैंग्लियोनिक सेल पे येलो स्पॉट एब्सेंट होता है एंड बाइपोलर न्यूरॉन में भी येलो स्पॉट एब्सेंट है. अगर येलो स्पॉट एब्सेंट है इट मीन्स जो भी लाइट है वो फोटो रिसेप्टर पे जाके फॉल करनी है एंड यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन करना है. और फिर देखते हैं कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कैसे फॉर्म होता है. तो जो भी गैंग्लियोनिक सेल के जो भी एक्सॉन्स पार्ट है, गैंग्लियोनिक सेल के जो एक्सॉन पार्ट है, अब एक्सॉन पार्ट क्या होता है कि मान ले कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है एंड यहां पे आपका हो गया टर्मिनल लोब. ओके, तो ये आपका जो है वो सेल बॉडी हो जाता है, ये डेंड्राइट हो जाता है और ये आपका हो जाता है एक्सॉन. डेंड्राइट का क्या काम होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना. सेल बॉडी जो है वो रिसीव करती है, मतलब उसको प्रोसेस मिलाती है और एक्सॉन से वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है. तो जो भी गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन है वो सारे एक साथ उनके सारे फॉर्म करते हैं एंड यहाँ पे वो ऑप्टिक नर्व फॉर्म कर देते हैं.